वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं आपको वर्चुअल टूर ऑफ फेयरफील्ड बाय मैरियट अमृतसर का। तो मैं अमृतसर में हूँ इस समय में और मेरा स्टे है फेयरफील्ड बाय मैरियट में। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके का ये होटल है और क्या क्या आपको यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो चलिए इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो गाइस, जब आप होटल प्रमाइसिस के अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ये बहुत ही बड़ा एरिया जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी सी आगे जाने के बाद हमारे को देखने को मिलता है यहाँ का एंट्री गेट। बस ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया, जहाँ पर आप एंट्री गेट से आने के बाद सामने ही एकदम रिसेप्शन एरिया पड़ता है, जहाँ पर आप अपनी कुछ चेक इन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक ये छोटी सी टक शॉप बनी हुई है जहाँ पर आप कुछ भी खरीद सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, एवरीथिंग इज़ ऑन MRP, आप कुछ भी लेते हैं तो वो एज़ पर MRP आपको मिलता है। ये इस होटल का बिजनेस वेटिंग एरिया है जहाँ पर जब तक आपकी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं होती आप कुछ देर वेट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको सामने एक शॉप नज़र आती है जो कि अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं सूट्स वगैरह ये सब, तो उसके लिए है। और मतलब अगर बात करें उसकी रेट्स की तो ऑब्वियसली रेट्स तो मार्केट से ज़्यादा ही हैं, लेकिन वैरायटी जो है वो काफ़ी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। एज देयर इज़ अ ट्रैवल डेस्क अवेलेबल एज वेल, अगर आप अपने ट्रिप में कुछ भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड प्लान करना चाहते हैं तो ये आपका जो है ट्रैवल डेस्क हेल्प करने वाला है इसके अंदर। गाइस, दिस इज़ गोइंग टू बी द लॉबी एरिया जहाँ से आप अपने रूम्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरा रूम नंबर है 522, तो लेट्स गेट इनटू आवर रूम। तो गाइस, अब हम करने जा रहे हैं अपने रूम का वर्चुअल टूर। तो उसके अंदर जब हमारे रूम की एंट्री के लिए हमें मिला है सबसे पहले एक की कार्ड। इस की कार्ड को यहाँ पर लगाने से गेट हमारा अनलॉक हो गया। अब अंदर चल के देखते हैं। उसके बाद इस की कार्ड को यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो ये सारी लाइट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। रूम में अंदर घुसते ही हमें मिलती हैं ये क्लोजेट, जिसके अंदर हमारे को आयरन टेबल मिल जाती है और उसके अलावा यहाँ पर आयरन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ये हमारे को आयरन मिल जाती है, कुछ हैंगर्स साथ ही साथ मिलता है हमें सेफ, और ये बाथरूम स्लीपर्स। काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पर। यहाँ हमें देखने को मिलते हैं ये AC के कंट्रोल्स। उसके बाद ये है वॉशरूम, इसके अंदर आपको मिल जाते हैं सारी टॉयलेटरीज, टिश्यू पेपर्स और हेयर ड्रायर। ये मिलते हैं शेविंग किट, डेंटल किट और ये है वेट एरिया जिसके अंदर टॉयलेटरीज सारी अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है हमारे को एक शेल्फ जहाँ पर हमारे को मिल जाती है सारी टी और कॉफ़ी की सारी चीज़ें। साथ ही साथ हमारे पास एक केटल है, हॉट वाटर केटल, और ये सारा पानी। उसके अलावा हमारे को यहाँ पे दो बड़े ड्रॉर्स देखने को मिलते हैं। उसके नीचे हमारे को देखने को मिलता है एक ये फ्रिज। फिलहाल ये फ्रिज वैसे तो खाली है, ये तो हमारा ही सामान पड़ा हुआ है इसमें, लेकिन आप कुछ भी लाते हैं तो इसके अंदर रख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे को देखने को मिलता है लगेज एरिया जहाँ पर हम अपना लगेज प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद एक ये वर्क स्टेशन है, इस पर लैंप अवेलेबल है। साथ ही साथ हमारे को 43 इंच का TV देखने को मिलता है, और उसके अलावा यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल है, एक सोफ़ा लगा हुआ है, और ये है हमारा डबल बेड। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो काफ़ी स्पेशियस कमरा है ये। अगर इसके व्यू की बात करें तो यहाँ से
कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिलता है। ये नीचे सारा डाइनिंग एरिया है। तो ये है इस होटल का फिटनेस एरिया। एक छोटा सा जिम सेक्शन यहाँ पर बना रखा है जो कि काफ़ी नीट एंड टाइडी है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगी एक साइकिलिंग मशीन है और साथ ही साथ दो ट्रेडमिल है, एक क्रॉस ट्रेनर है और उसके साथ यहाँ पर ये वेट्स हैं और कुछ ये आई गेस वेट ट्रेनिंग के लिए है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर इंक्लाइन बेंच भी है, तो काफ़ी अच्छा एरिया बनाया हुआ है ये। तो गाइस अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ मिलता है आपको एक बहुत ही बढ़िया सा पूल एरिया। ये है कुछ पूल एरिया जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, थोड़ी देर चिल कर सकते हैं और उसके साथ साथ स्विमिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा बना हुआ है, वेल मेंटेन्ड है, बिल्कुल साफ़ है एकदम। तो गाइस दिस इज़ गोइंग टू बी दी फूड सेक्शन जहाँ पर आप अपना बुफे वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये था हमारे होटल का वर्चुअल टूर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपके होटल से रिगार्डिंग या बुकिंग से रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और ये कोई भी पेड वीडियो नहीं है, कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये एक नॉर्मल ऑनेस्ट रिव्यू है। मैं यहाँ पर रुका था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी एक वीडियो बना दी जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।